गोरखपुर के फर्टिलाइजर के मैदान पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन और प्रधानमंत्री की किसान रैली को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग काफी मुस्तैद और सतर्क है। सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, बैरिकेटिंग सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। कार्यक्रम स्थल से लेकर पार्किंग स्थल, अधिवेशन स्थल सहित अन्य स्थलों पर SSP लगातार सुरक्षा मानकों की चेकिंग किए और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात में SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी 24 फरवरी दिन रविवार सुबह 10 बजे जी, जैसा कि आपको पता है कि संडे को रैली है, मैं सभी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा, 2 जगह पार्किंग बनाई गई। मानबेला में पार्किंग है जो कि आपको मोदीपुर से कौवा बाग और पादरी बाज़ार होते हुए खजांची होते हुए मानबेला आने के लिए सभी जनता से गुजारिश की गई कि वो एक पार्किंग रूट है और डाइवर्जेंस जो बाकी लोग किसी और वजह से शहर में आना जाना चाहते हैं वो रैली से पहले या रैली के बाद समय प्रॉपर लेकर के ही आए जाएं। और जो दूसरा रूट सिटी की तरफ से वो है मंदिर से बरगदवा होते हुए नका की तरफ फर्टिलाइज़र गेट के पहले, वो कैंपस से पहले उधर LMVs की, चूँकि वो सड़क छोटी है तो मैं शहर के लोगों से गुजारिश करूँगा अगर वो उधर से शॉर्टकट आना चाहते हैं तो छोटी गाड़ियों को हम वहाँ पर पार्किंग के लिए इजाज़त दे रहे हैं और सफिशेंट मात्रा में पार्किंग है, लेकिन चूँकि रास्ते छोटे और सिंगल हैं हम चाहेंगे कि लोग समय से पहले पहुँचें क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आना है। एक रास्ते की एक अपनी लिमिट होती है जिस रास्ते को 1 घंटे में अगर 1000 गाड़ी जा सकती है और अगर 3000 आनी है तो 3 घंटे पहले आना चाहिए। और इसी आपके चैनल के माध्यम से मैं एयरपोर्ट और रेलवे वाले जो पैसेंजर्स हैं उनको भी गुजारिश करूंगा कि संडे को जिसको पकड़ना है तो एडवांस 2-3 घंटे कम से कम पहले निकले जिससे कि उसको असुविधा ना हो और उसकी कोई गाड़ी या फ्लाइट ना छूटे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आकर के कि सभी तरह की व्यवस्थाएँ हैं, कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाती है। इतना बड़ा विजिट है, इसमें आप देख सकते हैं ITBP, BSF, CRPF, SPG, NSG, RAF, RRF, PAC, जितनी भी तरह के संसाधन हिंदुस्तान में उपलब्ध हैं सभी का हम यूज़ करते हैं। एक भरपूर सुरक्षा व्यवस्था और एक अचूक तरह से इसको इस सम्मेलन को करने की जी, उसको लेकर के ही एक ब्रीफिंग एडवांस की जाती है सभी सिपाहियों को, सभी जवानों को, सभी अफसरों को अलर्ट करने के लिए और उनको समझाने के लिए क्या क्या खतरे हैं क्या नहीं है। और हाई अलर्ट पर हमने रखा हुआ है पूरे गोरखपुर को और सभी को सतर्क रखा है और जनता से भी अनुरोध है जब तक जनता पुलिस के साथ नहीं होती कोई हाई अलर्ट कामयाब नहीं होता, क्योंकि पुलिस की संख्या तो अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 1% भी पुलिस नहीं होती, 99% तो जनसंख्या है। और जनता अगर हमें सूचना देगी, डायल 100 है, बाकी और माध्यम है, हर तरह से मीडिया है, उसके माध्यम से अगर कहीं आपको कुछ अनहोनी कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटी दिखाई देती पुलिस को नज़दीकी पुलिस को सूचित करें या 100 नंबर डायल करें, एज सून एज पॉसिबल हम पहुँच के समस्या को देखेंगे। एक्शन उचित है क्योंकि अगर रैली 11 बजे है तो लोग 8 बजे से चलना शुरू करते हैं लेकिन छूटते वो एट अ टाइम है, झटके में ही, तो यानी कि जो 3-4 घंटे में धीरे धीरे आप कोई गुब्बारे में पानी भरते हैं या टंकी में पानी भरते हैं वो फट जाती है, तो लोगों से गुजारिश है छूटते समय भी सब्र से काम लें। अगर आप 2 घंटे पहले आए तो आपको छूटने में भी कई बार 1 घंटा या 2 घंटा लगेगा क्योंकि सड़कें सकरी हैं, सड़कें उतनी हैं जिसपे 3 घंटा लगा है आने में तो जाने में भी 3-4 घंटा लगेगा।